हेलो नमस्कार जी, बोर्ड परीक्षा रिजल्ट 2023। जी हाँ, 10वीं और 12वीं कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि भी रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे रिजल्ट की बहुत बड़ी खुशखबरी क्या कुछ आई हुई है। अभी अभी 5 मिनट पहले शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया है। जी हाँ, अब विद्यार्थियों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा उसके रिजल्ट्स पर। जी हाँ, आपको मैं बता दूँ, पूरे देश भर की बात करें तो तकरीबन 15 करोड़, जी हाँ, 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में है, जो कि 58 लाख से ज़्यादा है। वहीं दूसरे नंबर पर जो बोर्ड है वो CBSE बोर्ड है, 36 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने अपनी परीक्षा दे रखी है। आपको मैं बता दूं, देश भर के तीसरे सबसे बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड ने पहला ही अपना परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। उसी के साथ साथ जितने बोर्ड एग्ज़ाम जो हो चुके हैं उन सभी के जो रिजल्ट आने बाकी हैं भाई, ठीक है, उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। अब फेल विद्यार्थी भी होंगे पास। जी हाँ, इनके लिए आई हुई है बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन। कॉपी चेकिंग लगातार प्रगति पर है, काफ़ी सारे बोर्डों की एग्ज़ाम की कॉपी चेकिंग हो चुकी है, काफ़ी सारे बोर्डों की एग्ज़ाम की कॉपी चेकिंग चल रही है। रिजल्ट्स कब तक जारी होगा ये भी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ बदलाव किया गया है कि फेल विद्यार्थी भी हो जाएंगे पास। जी हाँ, अगर आप एक या फिर दो विषय में कंपार्टमेंट या फिर कम नंबर आपके बढ़ते हैं तो आपको पास किया जाएगा। किस आधार पर पास किया जाएगा आपको बताएंगे। जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होगा उसके 15 या 20 दिन के अंदर अंदर आपका दूसरा जो एग्ज़ाम है कंपार्टमेंट का वो ले लिया जाएगा, और उसका जो परीक्षा परिणाम है वो आपको 20 दिन में ही जारी कर दिया जाएगा। यानी कि आपकी साल ख़राब नहीं होगी और फेल होने के बाद भी आप हो जाएंगे पास। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, हाल ही में जो रिजल्ट जारी होने वाले हैं उसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का रिजल्ट हुआ, CBSE बोर्ड का रिजल्ट अब प्रगति पर है, कभी भी जारी हो सकता है। चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।